ये जेई मेन 2020 में 7 जनवरी के पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या रिएक्शन है साहब? ये है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन ऑन रिएक्शन विद डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसके पैरा पे लगा हुआ है SO3H। ये सल्फोनिक एसिड का ग्रुप है, लेकिन बेसिक मीडियम होने की वजह से ये SO3Na बना हुआ है, राइट। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक प्रोडक्ट बना है एक्स। उन्होंने पूछा द प्रोडक्ट एक्स विल बी यूज्ड फर्स्ट ऑप्शन इन एसिड बेस्ड ट्राइट्रेशन एज एन इंडिकेटर, सेकेंड ऑप्शन इन प्रोटीन एस्टिमेशन एज एन अल्टरनेटिव टू निनहाइड्रिन, थर्ड ऑप्शन इन लेबोरेटरी टेस्ट फॉर फिनॉल्स, फोर्थ ऑप्शन एज फूड ग्रेड कलरेंट। चेक करते हैं इसको, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये बेसिकली कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है, एन एन डाई मिथाइल एन एन डाई मिथाइल एनिलीन की रिएक्शन जब पैरासल्फो डाइएजोनियम क्लोराइड से करवाई जाती है, एन प्लस सी एल माइनस और ये SO3Na, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करवाई जाएगी, ठीक है ना। बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट वैसे रिकमेंडेड होता है कि अगर एनिलीन के साथ कभी अगर कपलिंग रिएक्शन करवाई जाए तो वो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। बट अगर बेसिक मीडियम लिया है तो थोड़ी रिएक्शन स्लो हो जाएगी और कुछ नहीं होना। ये कपलिंग रिएक्शन है और इसमें एक्चुअली इस पैरा पोजिशन पे जहाँ H लगा हुआ है ना, यहाँ पर अटैक करता है ये, ठीक है ना। मैं आपको सीन बताता हूँ क्या होता है। सीन ये है कि ये जो है वो NME2 है, राइट, और यहाँ पर पैरा पोजिशन पर जो ये जो डाइएजोनियम है ना, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, ये देखें आप, ठीक है, Cl- माइनस यहाँ है इसे और ये SO3Na बना हुआ है, ठीक है। तो ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और रिंग इस पर अटैक कर रहा है। हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। जब इलेक्ट्रोफाइल बहुत बड़े साइज का होता है तो पैरा अटैक प्रीफर्ड होता है, ठीक है ना। तो पैरा पर अटैक हो गया। पैरा पर अटैक होने से क्या सीन बन गया भाई, देखो जरा। इसको मैं NME2 लिख देता हूँ, प्लीज़ अलाउ मी, ठीक है ना। तो पैरा पर अटैक हुआ तो ये बन गया प्लस, ये H है और यहाँ से ये जुड़ गया ऐसे, ये देख रहे हो क्या आप, SO3Na ये जुड़ गया। लेकिन कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस अपनी एरोमेटिसिटी का लॉस करके ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो ये H प्लस जो है ना, ये H प्लस फायर होता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को सिस्टम में देकर निकल जाता है, ठीक है ना। तो निकलने के बाद ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा NME2 N डबल बॉन्ड N ऐसे SO3Na। इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज और ये एसिड बेस रिएक्शन के टाइट्रेशन में, एसिड बेस के टाइट्रेशन में ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन पूरी हो गई या नहीं हो गई उसको बताता है, ठीक है ना, रिएक्शन के कंप्लीशन को बताता है। दिस इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज, इट इज एन इंडिकेटर। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1।